मुरादाबाद मंडल में कोविड 19 का गाइडलाइन का पालन कराने के साथ साथ सभी माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ राजकीय विद्यालयों को संचालित करने के लिए काम किया जा रहा है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ज्योति प्रसाद का ये कहना है कि सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सभी लोग काम करें। इसी उद्देश्य को लेकर सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही सभी अभिभावकों से उन्होंने अपील की है कि आप इस समय सुरक्षित रहें और सावधान रहें। मुरादाबाद मंडल में कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे विद्यालय। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक ज्योति प्रसाद ने बताया कि मंडल के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। गुरुवार को मुरादाबाद के कचहरी रोड स्थित अपने कार्यालय पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ज्योति प्रसाद ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि पूरे मंडल में सभी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और सभी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ विद्यालयों को संचालित किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों से भी ये अपील की है कि वे सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोविड 19 गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हमारे माध्यमिक विद्यालय या वो किसी भी बोर्ड के विद्यालय हैं, सप्ताह में शनिवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन भौतिक रूप से पठन पाठन हेतु 16/8/2021 से विद्यालय प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों को 2 पाली में चलाया जाना है, 8 बजे से 12 बजे तक और अपराह्न 12:30 से 4:30 बजे तक, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे 50% की संख्या में होंगे और उसी पाली के हिसाब से उनका सीटिंग प्लान कोविड 19 के मानकों का पालन करते हुए व्यवस्था की जानी है। और यहाँ यह भी अनुरोध है कि चाहे वो स्टाफ हो या बच्चे हों, सभी को मास्क लगाना है, डस्टबिन का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चों को भौतिक रूप से विद्यालय में भेजें और मास्क लगाकर भेजें। और विद्यालय से मेरा अनुरोध है कि वो प्रत्येक शनिवार को विद्यालय को सैनिटाइज करें, या वो नगर निगम से या ग्राम पंचायत से या विद्यालय अपने स्वयं के संसाधनों से जरूर करें, क्योंकि हमें इस महामारी से बचाव के सभी तरीके अपनाने हैं और बच्चों को भी जागरूक करना है कि वो जो भी निर्देश दिए गए उसका अनुपालन करें और हमारा शैक्षिक सत्र नियमित रूप से चलने लगे। हम यही चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि बच्चों को भेजें और जो भी मानक हैं, सोशल डिस्टेंस है या हमें मास्क लगा के भेजना है या सैनिटाइज करना है, साबुन से हाथ धोना है, उसका अनुपालन करो, इस महामारी से हम बच सकें, यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। अभी छात्र उपस्थिति कम है, मैंने भी कई विद्यालय देखे थे, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि छात्र संख्या हमारी बढ़े और सत्र नियमित हो।